अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, उसके साथ हम हाजिर हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडेम, जो कि 3.7 चैप्टर जो है हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3, और डाटा कम्युनिकेशन इसका नाम है। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडेम। जी, मॉडेम में जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि PC1 से डाटा जब एक जाता है, तो मॉडेम सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, केबल के अंदर नहीं, सेटेलाइट के अंदर नहीं, वायरलेस के, जब मॉडेम हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कैसे डाटा जाता है। एक PC1 से डाटा मॉडेम 1 जो हमारे कंप्यूटर के साथ हमारे घर में लगा होता है, वहाँ से हम मॉडेम में डाटा उसको भेजते हैं, जो डाटा को एनकोड करता है और जो है पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के जरिए से दूसरे मुल्क के दूसरे मॉडेम तक डाटा को पहुँचाता है, और वो उसको दोबारा एनकोड करके उस सिस्टम के दूसरे हमारे फ्रेंड या हमारे फैमिली के मेम्बर को उसके कंप्यूटर पर दिखाता है। ये मॉडेम की वर्किंग है। अब इसको हम देखते हैं। मॉडेम का नाम मॉडेम मॉडुलेट या डीमॉडुलेट, मॉडेम को क्या कहते हैं, मॉडुलेट, मॉडुलेट करने वाला या डीमॉडुलेट करने वाला, मॉडुलेट या डीमॉडुलेट। जी, इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर्म, हमारे सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में लेकर आता है, जो कि पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के जरिए से फिर दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके दोबारा हमारे दूसरे कंप्यूटर को दिखाता है। सिग्नल्स दैट कन्वर्ट एनालॉग फॉर्म और फिर इट सेंड अवर फोन लाइन के जरिए से ए रिसीविंग मॉडेम तक पहुंचाता है, टू अदर एंड ऑफ द फोन लाइन, देन कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल, दोबारा से उसको डिजिटल फॉर्म में लेकर आता है। इट एनेबल्स यूजर्स टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ये इसी के जरिए से हम डाटा भेज रहे हैं जो एक कंप्यूटर में जाता है, ठीक है जी। और ये स्टैंडर्ड एक्सेस टेलीफोन लाइन के जरिए से, स्पेशल कम्युनिकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड लाइन टेलीफोन लाइन है, स्पेशल नहीं है, सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह उस तरह का नहीं, बल्कि सिंपल तो टेलीफोन लाइन के जरिए से कम्युनिकेशन इसके थ्रू किया जाता है। और टेलीफोन लाइन कौन सा डाटा लेके जाती है, वो एनालॉग डाटा लेके जाती है। टेलीफोन लाइन कौन सा डाटा लेके जाती है, एनालॉग, एनालॉग फॉर्म में डाटा जो होता है। जी, जैसे डायग्राम को क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं, इसका रेट कितना है, इसकी स्पीड कितनी है, ट्रांसमिशन रेट। इट कैन बी डिस्क्राइब एज मॉडेम हाई स्पीड या लो स्पीड। जो शुरू में मॉडेम थे वो बहुत लो स्पीड थे, उनकी इसमें स्पीड होती थी 56K। आई रिमेंबर कि 2000 के अंदर जो डाटा जो थे मॉडेम थे सिर्फ 56K स्पीड वाले थे, फिर 128 स्पीड वाले आ गए, बहुत थोड़े, वो भी बहुत थोड़े, फिर आगे बढ़ते गए, अब 1 MB, फिर 2 MB, और अब जो है वो कितनी स्पीड है आजकल 100 MB/s भी चल रही है फाइबर ऑप्टिक के अंदर। लेकिन मॉडेम के अंदर भी अगर जो है वो भी एक लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले बहुत बेहतर है जी। और लो स्पीड वाले थे और हाई स्पीड वाले थे। आगे चले, इसकी ये है, इसका ये तो कहलाता है ट्रांसमिशन रेट, जो मैंने लिखा है ट्रांसमिशन रेट कितना था। आगे हम बात करने लगे हैं इसकी कि इसकी स्पीड, स्पीड जी। द स्पेसिफिक टेक्निक यूज टू एनकोड द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर्म आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन सिस्टम, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलेट करना, कि स्पेसिफिक टेक्निक के जरिए से सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में लेकर आना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलेट। और जब दोबारा से वहां पहुंचेगा तो ये दोबारा से इसको जो है वो एनालॉग से दोबारा डिजिटल फॉर्म में लेकर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, डीमॉडुलेट करना। एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में लेके जाना इसको कहलाता है मॉड्यूलेट, यानी डिजिटल से एनालॉग में लेकर आना मॉड्यूलेट, और एनालॉग से दोबारा से डिजिटल में लेकर आना डीमॉडुलेट। द वेरियस मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ एनकोडिंग द डाटा ट्रांसफर स्पीड। द रॉ स्पीड जो कि हम नॉर्मल स्पीड को जो देते हैं मॉडेम की, क्या है उसकी मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड से ली जाती है, जो कि 2400 bits/s है। कितनी स्टैंडर्ड स्पीड कितनी है जी, 2400 bits/s, सॉरी इसको पूरा लिखेंगे 2400 megabits/s विद डाटा कंप्रेशन, उसको डाटा को स्केड़ता है, छोटा करता है, दैट कैन थ्योरेटिकली, जो असल में उसकी जो स्पीड बनती है वो 9600 बनती है, क्योंकि सुकड़ने के बाद 2400, और नॉर्मल हालत में अगर उसकी बात करें कि कितनी होती है वो 2600 होती है, सुकड़ने के बाद 2400 रह जाती है, और बहुत हाई स्पीड मॉडेम कहलाता है ये। हाई, ये वाले जो मॉडेम है ये हाई स्पीड मॉडेम, ये लो स्पीड वाले थे शुरू में आते थे, अब हाई स्पीड का मॉडेम 9600 megabits/s है, ठीक है जी। और अब हम अगली बात करेंगे, ये थे मॉडेम, इससे अगला जो है मॉडेम की टाइप्स है, मॉडेम एक्सटर्नल भी है, मॉडेम इंटरनल भी है,
इंटरनल मॉडेम जो हम पहले यूज़ करते थे अब हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो थे वो हमारे सिस्टम के अंदर अटैच किए जाते थे, और मॉडेम कार्ड हम कहते थे उसे, हैं जी, वो हमारे सिस्टम में स्लॉट होती है, उसके अंदर मॉडेम को लगा दिया जाता था, पीछे टेलीफोन वायर को एंटर किया जाता था, और वो बाकायदा टेलीफोन हम उसको जब हम किसी कंपनी से उसका उसका जो नंबर टेलीफोन नंबर उसकी उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, जैसे एक ज़माने में ब्रेन टेल था लाहौर में, तो ब्रेन टेल के भी हम इंस्टॉल करते थे, तो हम उसको कॉल मिलाते थे, या हमारी पीटीसेल कंपनी थी तो हम उसको डायल करते थे, बाकायदा टू 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 की आवाज़ आती थी, जैसे टेलीफोन लाइन जब मिलती है तो मॉडेम वगैरह टेलीफोन लाइन में लाता था और हमारा इंटरनेट से रब्ता हो जाता था, और फिर हमारा आइकॉन नीचे हमारे सिस्टम के अंदर ये आइकॉन बन के आ जाता था कि आपका रब्ता हो गया है, फिर हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। वो था इंटरनल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम भी इसी तरह का है, लेकिन सिर्फ बाहर पड़ा होता है, सिस्टम के अंदर नहीं होता। केबल जो है वो टेलीफोन की उसके अंदर आती है, और एक केबल जो है वो चली जाती है वहाँ से निकाल के कंप्यूटर के अंदर। इतना फ़र्क है, इसको हम देख लेते हैं। और जो अब जो मॉडेम यूज़ हो रहे हैं सेम वही मॉडेम है, लेकिन वो वायरलेस है, टेलीफोन की वायर वायरलेस के अंदर चली जाती है, और वहाँ से एक एक यूटीपी केबल जो कि हमारी इथरनेट केबल कहलाती है, जो जो हम केबल नेटवर्क में भी यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट के लिए हम अपने स्कूल कॉलेज के अंदर जो केबल यूज़ होती है, वो केबल वहाँ से निकल के हमारे सिस्टम में आके हमारे इथरनेट कार्ड के अंदर आगे लग जाती है। तो मॉडेम ने वही काम करना है, टेलीफोन लाइन से रब्ता करता है हमारी कंपनी के साथ, वो हमें इंटरनेट लिंक करवा देता है, फिर वायरलेस के जरिए से वो वायरलेस पूरे घर के अंदर वायरलेस चल रहा होता है, और हमने मोबाइल, अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तीन किस्में हैं जो मैंने डिस्कस की हैं। एक्सटर्नल मॉडेम इज अटैच टू द सिस्टम एज एन एक्सटर्नल डिवाइस, हमें टेलीफोन लाइन के लगता है, वो टेलीफोन केबल के जरिए से चलेगा, टेलीफोन केबल के जरिए से। हाँ, अगर आपने एरिया से केबल ले रखी है, इंटरनेट केबल ले रखी है, फिर आपको टेलीफोन की जरूरत नहीं है, फिर तो एक्सटर्नल डिवाइस, फिर तो आपके सीधा आपके कंप्यूटर के अंदर जाएगी। लेकिन अगर आपने इथरनेट केबल ही किसी कंपनी से ले रखी है तो वो आपके मोडेम में लगेगी, मोडेम आपका वायरलेस जो है वो फिर आपके तमाम घर को देगा। तो मोडेम जो है वो इंटरनेट बाहर से जो हम केबल नेटवर्क या किसी कंपनी से जो लेते हैं, वो हमें टेलीफोन, वो हमें इथरनेट केबल ही प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे मोडेम इंटरनल या एक्सटर्नल या हमारे वायरलेस में आके लग जाती है, जिससे हमें इंटरनेट मिलना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो मोडेम का फंक्शन है वो टेलीफोन लाइन के जरिए से है, टेलीफोन लाइन की पोर्ट भी होती है मोडेम के अंदर और इथरनेट की पोर्ट भी है, यानी जो भी आप बाहर से मीडियम लेना चाहें आप ले सकते हैं, चाहे टेलीफोन लाइन के जरिए से ले लें, चाहे इंटरनेट केबल के जरिए से ले लें, लेकिन लगेगा वो मोडेम के अंदर ही आके। अब वो वायरलेस वाला मोडेम है तो वायरलेस काम करेगा, अगर वो वायर वाला मोडेम है तो आपकी केबल कंप्यूटर पर वायर लगानी पड़ेगी आपको। अब वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, या आपके ऊपर। हाँ, इंटरनल जो थे वो तो मैंने बताया कि अब सुलीट है, अब तो नहीं यूज़ किए जा रहे, अब तो एक्सटर्नल मोडेम या इथरनेट केबल यूज़ की जाती है, या वायरलेस राउटर या मोडेम यूज़ किया जाता है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये था जी हमारा आज का लास्ट टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ कि पहले एक कॉम पोर्ट होती थी जो कि ओल्ड पोर्ट थी, कम्युनिकेशन पोर्ट कहते थे, कॉम वन कॉम टू मोडेम के अंदर उसके लगाया जाता था। ये हमारे एक्सटर्नल मोडेम के साथ एक दो पोर्टें लगी होती हैं पीछे इस तरह की, ये कॉम पोर्ट कहलाती हैं, ठीक है। 24 पिन वाली भी होती है, 8 पोर्ट वाली भी होती है, इसके अंदर मोडेम की पोर्ट लगा दी जाती थी। कॉम वन कॉम टू दो तीन तरह की पोर्ट मोडेम में लगी होती है और वो अटैच हो जाती है, तो इस मोडेम को हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल मोडेम के अंदर। इस इंटरनल मोडेम के अंदर भी जो है वो जैसे मैंने समझाया, इंटरनल मोडेम इज ए सर्किट बोर्ड जो कार्ड है जो कि हमारे मदरबोर्ड में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है जी। और वायरलेस मोडेम जैसे कि आपने देखे हुए आपके घरों में वायरलेस मोडेम पड़े हुए हैं, ये सारा जो वायरलेस हमें 100 मीटर की रेंज तक वायरलेस राउटर जो है वो हमें कहाँ प्रोवाइड करता है, 100 मीटर की रेंज तक हमें रेंज कवर करता है, 100 मीटर की रेंज को कवर करता है, 100 मीटर 100 मीटर की रेंज को कवर करते। तो ये था जी हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और उम्मीद आपको समझ आया होगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने गो थ्रू करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, आप इसको याद करें, लर्न करें, एग्जाम के मुताबिक क्वेश्चन आंसर को एक्सरसाइज तैयार करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको रिवाइज कर लीजिए, कभी आपको कुछ समझ आए तो वीडियो को पीछे रिवाइज करके आप देख सकते हैं कि टॉपिक में क्या चीज़। मैंने पूरी कोशिश की है कि साथ के साथ आपको रीडिंग भी करूं और टॉपिक, ताकि आपको पढ़ना ना पड़े, आप मैं साथ साथ रीडिंग करता हूं तो आप बुक को देख सकते हैं, तो आपको टॉपिक साथ ही कवर हो जाएगा, बस आपको लर्न करना है, आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर लर्न करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका बहुत शुक्रिया साथ रहने का, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।